हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कुछ एडवांस राउटिंग कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम बिल्कुल देखिए हमारा टारगेट है कि छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स को कवर करते हुए आगे बढ़ना। तो राउटिंग्स के बेसिक और एडवांस दोनों हमने देख लिए थे। अब आज इस प्रोजेक्ट में स्टार्ट करते हैं काम, किस तरह से हम जो है कंट्रोलर्स बनाते हैं और किस तरह से जो है हम व्यूज़ बनाते हैं और कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है आज का, कि वो हम कंट्रोलर्स कैसे बनाते हैं, व्यूज़ कैसे बनाते हैं और ये सारी चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं चीज़ें। जैसे देखिए, पहले हमने हम शुरू से जो है इस सीरीज़ का एक मैंने बात बताई है, ये जो पूरा एंटायर लेवल सिस्टम है ये शुरू अपना काम शुरू करता है वेब डॉट पी एच पी से, जो राउटिंग है। ठीक है, ये हमारा जो ब्राउज़र है या क्लाइंट है जो क्या करता है, इसको रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो उसके बाद जो वेब डॉट पी एच पी है वो चेक किया जाता है कि क्या उसके अंदर उस राउटिंग की एंट्री है। अगर एंट्री है तो उसके रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता है। लास्ट दो तीन वीडियो में इसे हमने बहुत अच्छे से समझा है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पिछले जो दो वीडियोस हैं सीरीज़ के वो ज़रूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ चीज़ देखा था कि उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए तीन चीज़ें हैं हमारे पास। पहली बात तो हम एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं। अगर उस रिक्वेस्ट का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा टास्क है, तो उसको भी यहाँ बना सकते हैं। अगर वो रिक्वेस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक व्यू को ही डिमांड कर रहा है कि भाई हमें ये व्यू देखना है, हमें सिर्फ ये व्यू रिटर्न चाहिए और कुछ नहीं, तो यहाँ से उसे हम व्यू रिटर्न करवा सकते हैं। अगर सिर्फ व्यू देखना है, अदरवाइज कुछ प्रोसेस करके व्यू देखना है, देन दिस इज़ द ऑप्शन। फंक्शन बना के आप यहाँ से व्यू रिटर्न करवा सकते हैं। कुछ डेटाबेस आप छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करके दूसरे कंट्रोल में जाना, तो वो सारे काम आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ उस रिक्वेस्ट का जो टारगेट है, उस रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यू को देखना है, तो वही यहाँ से वो सीधे इस व्यू पर जा सकता है। तीसरा, हम एक और बनाएंगे कंट्रोलर। देखिए कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर एक्चुअली एक क्लास है। यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा, कंट्रोलर एक क्लास है। फर्क क्या है, देखिए कंट्रोलर और फंक्शन बिल्कुल मिलता जुलता चीज़ है। फंक्शन इंडिविजुअली एक एक स्मॉल फंक्शन है, कंट्रोलर क्या है, क्लास है जिसके अंदर आप बहुत सारा फंक्शन लिख सकते हो, बहुत सारा फंक्शन लिख सकते हो। वो एक क्लास है, मीन्स ग्रुप ऑफ फंक्शंस है। तो जब आपको बड़े लेवल पे काम करना होगा, बहुत सारा फंक्शन मैनेज करना होगा इन अ सिंगल फाइल, तो हम एक कंट्रोलर बना लेंगे और वहाँ पे अलग अलग फंक्शन बना लेंगे। ये हो गया मेरा फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री एंड फंक्शन फोर, है ना। और यहाँ पे इस केस में ये इंडिविजुअली एक छोटा सा फंक्शन है जो भाई हमारा काम करेगा, निपट जाएगा। तो ये तीन, ये स्ट्रक्चर अगर आप लैरावेल पढ़ने के शुरू में देख लेते हो तो फिर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए ये वाला, तो ये फंक्शन बनाने के लिए कोई अलग से क्लास नहीं लगेगी। हम शुरू से राउटिंग जब से पढ़ रहे हैं हमने ये बताया है कि फंक्शन यहाँ हम कैसे बनाते हैं। अब आज की वीडियो में हम सिंपली देखेंगे कि अगर एक व्यू बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक कंट्रोलर बनाना है तो कंट्रोलर कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर इन दोनों को कनेक्ट करके एडवांस लेवल में काम करेंगे। बट आज का वीडियो का टारगेट है सिर्फ हम कैसे व्यू बनाते हैं और कैसे कंट्रोलर बनाते हैं, जो कि बहुत आसान सा काम है। बट हम चाहते हैं कि किसी भी स्टेप को स्किप ना किया जाए और एक एक चीज़ें यहाँ पे बेसिक से बेसिक डिटेल्स कवर की जाए। चलिए चले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे हमारे पुराने राउटिंग्स हैं जो हमने लास्ट वीडियोज़ में कवर किए थे, इन सारे को हम हटा देते हैं। ठीक है, इन सारे को हटा देते हैं, सिर्फ वो जो तीन बेसिक था इसे रखा जाएगा और देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू में आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखिए, डायरेक्टिव स्ट्रक्चर अपने को याद रखना बहुत ज़रूरी है, दो तीन बातें, और ऐसे प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ब खुद याद आ जाएगी। तो ये वाला फंक्शन वाला पार्ट है, देखिए अगर कोई एक स्पेशल रूट आता है, हमने यहाँ लिखा है टेस्ट फंक्शन। चलिए एक नया हम राउटिंग क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन अगर होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसमें लिखा है, इसको भी हम हटा देते हैं, या हम सिंपल लिखते हैं इको फंक्शन टेस्ट, स्मॉल फंक्शन टेस्ट, स्मॉल फंक्शन टेस्ट डन सक्सेसफुली। ठीक है, ये एक टेस्ट है, तो पहले इसको देख लेते हैं। फिर एक हम व्यू कैसे बनाएंगे और फिर उसको कैसे कॉल करेंगे, फिर एक कंट्रोलर कैसे बनाएंगे और उस कंट्रोलर को कैसे कॉल करेंगे, ये तीन बातें हमें इसमें सीखनी है। तो इस प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं।
चलिए, तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर था जो हमने डाउनलोड किया था इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, आपने देखा था। यहाँ के हम सीएमडी लिखते हैं और यहाँ हम क्या लिखते हैं, पीएचपी आर्टिसन सर्व। ठीक है, ये बेसिक स्टाइल है, माने लर्निंग पर्पस वाला स्टाइल है प्रोजेक्ट को चलाने का। बट आगे हम थोड़ा सा जब एडवांस लेवल में चले आएंगे तब हम अलग स्टेप देखेंगे, अलग तरीका देखेंगे अपने लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें एक आईपी रिटर्न कर देगा कि इस आईपी पे हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो हम चला सकते हैं। तो ये इसे यहाँ से कॉपी करते हैं हम और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पे एक एरर आएगा, मतलब कुछ नॉट फाउंड जैसा दिखेगा बिल्कुल। क्यों क्यों ऐसा नॉट फाउंड दिखा, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है मेरा राउटिंग वाला, तो ये आप खुद ही बता पाओगे कि क्यों यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। बिकॉज ऐसा कोई भी जो है यूआरएल हमारे यहाँ पे वेब डॉट पीएचपी में डिसाइड नहीं है, इनिशिएटेड नहीं है। तो कौन सा चलेगा, देखिए ऐसा एक टेस्ट चाहिए या फिर होम पेज लिखा हुआ चाहिए या फिर प्रोसेस डेटा वो लिखा होना चाहिए, क्योंकि इन चारों में से कोई भी ऐसा यूआरएल यहाँ पे नहीं है। इसलिए अब इसलिए आपको क्या दिखाया, ये 404 नॉट फॉर्म, या अगर हम वो फॉल बैक वाला इस्तेमाल करते जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है तो भी आप ये हैंडल कर सकते थे। चलिए टेस्ट फंक्शन लिखते हैं, अभी हमारा जो अभी करंट टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। टेस्ट फंक्शन लिखते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यूआरएल पे चलते हैं और इसे हम लिखते हैं टेस्ट फंक्शन, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, ये सिर्फ टेस्ट फंक्शन को कॉपी करना है। टेस्ट फंक्शन लिखते हैं और देखिए स्मॉल फंक्शन टेस्ट डन सक्सेसफुली, गुड। तो ये हो गया, इस फंक्शन का टेस्टिंग हो गया, कैसे कॉल करना है। नेक्स्ट पे सीधे चले आते हैं व्यू। तो अब व्यू बनाते कैसे, देखिए व्यू जो है आपका प्योर HTML फाइल है, तो ये फ़र्क नहीं, उसको बनाने के लिए कोई कमांड वमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपली हम रिसोर्स में जाएंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, देखिए दो बना हुआ, होम और वेलकम, हम एक यूज़र नाम का बना लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे HTML फाइल बना रहे हैं, उसका मतलब है ये नहीं कि उसका एक्सटेंशन आप .html लिखोगे, उसका एक्सटेंशन लैरेवल में होनी चाहिए, यूज़र .blade.php। .blade से वो डिसाइड कर पाता है कि हाँ भाई ये जो है मेरा व्यू वाला फाइल है विच कंटेन मेनली HTML कॉम्पोनेंट्स। अब इस पर हम डबल क्लिक करके इसको खोल देते हैं। यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं HTML5। ठीक है, देखिए ये कुछ इतना सारा HTML जनरेट करके दे दिया, यहाँ हमने लिख दिया क्लाइंट और यहाँ पे एक H1 का टैग लिख लेते हैं, वेलकम टू दी व्यू। अब इसे कॉल करने के देख लेते हैं कितने तरीके, बनाना हमने देख लिया कैसे बनाना है, इसके लिए कोई कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्यू के लिए दोबारा समझ लीजिए, व्यू कोई कमांड की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली व्यू पे जाइए, राइट क्लिक कर लीजिए। अब जब हम एडवांस लेवल में काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो फिर व्यू के अंदर भी कई सारे फोल्डर्स बनेंगे, वो हम देखेंगे बेशक अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अब इस यूज़र डॉट ब्लेड को कॉल कैसे करना है, देखिए बहुत सा तरीका है। पहला तरीका आप इस टेस्ट फंक्शन से भी कर सकते हो, तो ये जो रिटर्न व्यू यहाँ लिखा है, देखिए ऑलरेडी यहाँ लिखा, हम यहीं से करते हैं, उस टेस्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं। टेस्ट व्यू, हमने यूआरएल पर लिखा टेस्ट व्यू और ये उसके बाद एक फंक्शन कॉल लिए, ये एक व्यू रिटर्न करेगा जहाँ पे हम अपना लिख देते हैं भाई यूज़र, इसको कॉल करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए, तो टेस्ट फंक्शन की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेस्ट व्यू है ना। तो टेस्ट व्यू हमने लिखा, तो देखिए वेलकम टू द व्यू, हमारा HTML फाइल कॉल हो गया। ठीक है, तो स्टेप देख लिया हमने कैसे बनाना है और कैसे कॉल करना है। देखिए इस व्यू को कॉल करने का एक और तरीका, यहाँ पर हमने फंक्शन से किया, मतलब एक यूआरएल एक्सेप्ट किया, उसका टोकन या निकनेम और एक फंक्शन कॉल करके व्यू कर ली। अब बट देखिए यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, बस हमारा ऑब्जेक्टिव यही था, सिंपली व्यू को देखना है। तो उसके लिए एक और तरीका, आप सीधे यहाँ पे राउट में व्यू लिखिए और कौन सा यूआरएल से आपको देखना है और यहाँ पे फिर वो व्यू। तो हम चाहते हैं भाई कि हम यूज़र पेज लिखें अगर, तो हमारा वो यूज़र वाला जो व्यू है वो कॉल हो जाए, हमें कोई काम नहीं करवाना, कोई मतलब डेटा मिले तो पर्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म हो उसके बाद हम व्यू को कॉल करें, तो उसके लिए फंक्शन या कंट्रोलर्स हैं। बट यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि हमने सिर्फली बस यूआरएल मिलेगा और हम उस पर्टिकुलर जो व्यू को है रिटर्न करवा देंगे, उसके लिए ये राउटिंग काफ़ी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, यूज़र पेज हमें लिखना है यहाँ पे, तो टेस्ट व्यू की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़र पेज, तब भी कॉल हो गया। सो दिस इज़ ऑल एनफ कि किस तरह से हम व्यू को बनाएंगे और कॉल करेंगे। तीसरा तरीका है हमारा कंट्रोलर। तो अभी मैंने डिफरेंस आपको समझा दिया, फंक्शन क्या था, कंट्रोलर क्या था, हमें कंट्रोलर बनाना कैसे। तो देखिए अब यहाँ पे एक बात, बहुत सारे बच्चे जो इनिशियली पढ़ते हैं
वो देखते हैं कि भाई हमें कंट्रोलर तो फंक्शन से बनाया जा रहा है, तो उनके दिमाग में बैठ जाता है, सेट हो जाता है कि भाई कंट्रोलर फंक्शन कमांड से ही बनेगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए कंट्रोलर क्या है पहले समझते हैं, ऐप में चलते हैं, आपको प्रोसेस याद होना, स्टेप याद होना चाहिए कि हमारा कंट्रोलर कहाँ रहता है। ऐप में चलते हैं, HTTP में चलते हैं, कंट्रोलर्स, यहाँ पे आप देखिए कि कंट्रोलर्स के अंदर एक कंट्रोलर .php आपको पहले से बना हुआ मिलेगा और एक माई कंट्रोलर जो हमने पहले बना रखा है। तो देखिए अगर आपको पता है कि भाई ये जो जो भी आप कंट्रोलर बनाओगे वो कंट्रोलर क्लास को एक्सटेंड करेगा ही करेगा, ठीक है, इसके लिए आपको ये वाला पैकेज इंपोर्ट करना है, ठीक है, उसके बाद ये कंट्रोलर्स वाला पैकेज इंपोर्ट करना है, तो अगर इतना सारा काम आप खुद से कर सकते हो देन यू कैन डू इट मैनुअली, यू डोंट नीड एनी कमांड, ठीक है। और अगर नहीं चाहते भाई इतना कुछ तो सेटअप हमको देखिए ये सब नहीं रहे, इतना कुछ आपको बना के देगा, इतना कुछ लेवल आपको बना के देगा। तो देखिए जब चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम मेहनत क्यों करें, बट ऐसा नहीं है कि आप अगर कमांड नहीं इस्तेमाल करते तो आप नहीं कर सकते, आप खुद से बना सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे व्यू बनाया राइट क्लिक करके, वैसे आप कंट्रोलर पर राइट क्लिक करके अपना क्लास भी, अपना कंट्रोलर भी बना सकते हो। घुमा फिरा कि ये कुछ नहीं है, क्लास है। अब देखो यहाँ पे क्या ये एक क्लास है, आसान बात है, जेनरिक टर्म बताएं तो कुछ नहीं, ये क्लास, इसके इसका जो वर्किंग मॉडल है उसके नाम पे इसका नाम कंट्रोलर रखा गया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो दोनों तरीके समझ गए, आप राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं, बट ये सारी बातें आपको खुद लिखनी पड़ेंगी। तो कमांड वाला ऐसे, क्योंकि क्या होता है ना, कमांड कमांड जब बच्चे सुनते हैं ना, नए बच्चे, फ्रेशर बच्चे, तो थोड़ा डर जाते हैं भाई, ये तो लग रहा है सब कुछ कमांड से होगा, टफ है, ये है, वो है, तो चीज़ें बहुत आसान है, बशर्ते हम क्या करते हैं उसको हाई लेवल पर ले जाके सोचते हैं तो और टफ लगती है, चीज़ें हैं बहुत ईजी। तो यहाँ पे देखिए आप राइट क्लिक करके जैसे व्यू बनाते थे वैसे आप कंट्रोलर भी बना सकते हो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बशर्ते इतनी चीज़ आपको खुद ये दो लाइन और ये क्लास एक्सटेंड कंट्रोलर खुद लिखना होगा, ये नाम आपको जो देना है दे दो, यही नाम से आपका फाइल होना चाहिए, ये बात आपको थोड़ा सा समझ लेना है। बट हम चाहते हैं कि नहीं, अब इसको मैं खुला रखता हूँ, हाँ इसको मैं खुला रखता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो अभी हमको कंट्रोलर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा है टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, तो ये टर्मिनल क्या है, वही डॉस से जो खोल रहे थे हम, यहाँ पे जो हमारा विजुअल स्टूडियो ये हमें प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे आपको क्या जाके लिखना है, PHP आर्टिसन मेक, है ना, कंट्रोलर क्या बना रहे हो आप, कंट्रोलर बना रहे हो, है ना, कंट्रोलर बना रहे। अब क्लास का नाम देना है, कंट्रोलर का नाम देना है ना, तो इसका नाम देते हैं टेस्ट कंट्रोलर। अब यहाँ दो बातें हम आपको समझाएंगे, पहली बात तो क्लास आप बना रहे हो, जैसा अभी मैंने बताया ना कि क्या है क्लास है, तो क्लास का जो नाम होता है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है, ये ट्रेडिशन है, एक स्टैंडर्ड है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि नहीं बनाओगे तो एरर खाएगा, बट स्टैंडर्ड आप उसका पहला नाम कैपिटल रखो, फर्स्ट लेटर। दूसरी बात कि उसके साथ मैंने एक ये जोड़ दिया कि भाई इसके साथ कंट्रोलर लिखा रहेगा तो क्या होगा कि हम देख के ही बता पाएंगे कि कंट्रोलर है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट लिख के भी अपना काम चला सकते हो उसको, क्योंकि वो कंट्रोलर रहेगा, क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहा है कंट्रोलर क्लास को, बट नाम के साथ चीज़ें जुड़ी रहेंगी तो रीडिबिलिटी अच्छी होती है, कोड का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने लिखा PHP एडिशन मेक कंट्रोलर स्पेस कंट्रोलर का नाम टेस्ट कंट्रोलर, टी बड़ा कर दिया, कंट्रोलर भी जो साथ में जोड़ दिया उसका सी बड़ा कर दिया, ये टी मैंडेटरी है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा वाला जो सी मैंने लिखा वो मैंडेटरी नहीं, मैंने अपनी तरफ से दिया ताकि रीडेबिलिटी जो दिखने में अच्छा लगे। तो देखिए जैसे हमने यहां लिखा, ये क्या दिखा है कि भी आपका कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली और यहां टेस्ट कंट्रोलर बन गया। अब इस टेस्ट कंट्रोलर पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, एकदम हुबहू है। तो इतना कुछ अभी मैंने आपको दिखाया ना कि बना बनाया मिल जाएगा और यहां पर भी बना बनाया मिल गया। हाँ, इसके अंदर फंक्शन अब हम ढेर सारा बना सकते हैं, तो फंक्शन टेस्ट, फंक्शन क्या लिखेंगे हम, टेस्ट डेटा, और यहां पर हम क्या लिखते हैं, इको आई एम टेस्टिंग कंट्रोलर्स, ठीक है, आई एम टेस्टिंग कंट्रोलर, ये मैंने लिख दिया और यहाँ टेस्ट डेटा दे दिया। अब इसे कॉल कैसे करना, तो देखिए बनाना कैसे टेस्ट कंट्रोलर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं होगी आई थिंक। अब कॉल कैसे करना, तो देखिए राउट गेट पे चलते हैं, प्रोसेस डेटा, जो कौन सा कीवर्ड पे, कौन सा URL पे, कौन सा टोकन पे हम इस कंट्रोलर के इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, काम तो फंक्शन करता है ना। तो अब आ गया, अब यहाँ पे हमारा कंट्रोलर का नाम, हमारा कंट्रोलर क्या है भैया, टेस्ट कंट्रोलर, तो यहाँ पे अच्छा लेवल 7 के बाद से 8 वाला जो वर्जन है, 8 वाले वर्जन में क्या होता है कि जब भी आप ये करिएगा कंट्रोलर आपको इस्तेमाल करना हो तो आपको ना ये पाथ देना पड़ेगा। देखिए माई कंट्रोलर तक का ही पाथ है, इसे कॉपी करते हैं हम और क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो दूसरा वाला हमने एक और कंट्रोलर बनाया है टेस्ट कंट्रोलर, उसको भी आपको यहाँ पे
मेंशन करना होगा टेस्ट कंट्रोलर, उसके बाद ही आप इसको अपने यहाँ पे यूआरएल के राउटिंग पे मेंशन कर सकते हो। इसे भी हम कॉपी कर देते हैं प्रोसेस डेटा में, ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं। तो प्रोसेस डेटा में अब माई कंट्रोलर नहीं होके हमारा खुलना चाहिए टेस्ट कंट्रोलर। आ गया, ये क्लास आपका फिक्स है, फंक्शन का नाम। तो टेस्ट कंट्रोलर में हमने फंक्शन टेस्ट डेटा दे रखा है, यहाँ पे भी टेस्ट डेटा ही दे, सेट डेटा जब टेस्ट डेटा हो गया। तो अब देखिए प्रोसेस डेटा यूआरएल पे हम लिखेंगे तो सीधे हमारा रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, अब हमारा रिक्वेस्ट इस कंट्रोलर में इस पर्टिकुलर फंक्शन पे जाएगा। इससे क्या देख के आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं और मल्टीपल फंक्शन को भी आप कॉल कर सकते हो हर एक पर्टिकुलर यूआरएल पे, बट हमने यहाँ पे अभी एक ही फंक्शन बना रखा है उसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या हो गया, टेस्ट डेटा यूआरएल पे क्या होना चाहिए, प्रोसेस डेटा। चलिए सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यूज़र डेटा और हम लिखते हैं तो देखिए क्या दिख रहा है, आई एम टेस्टिंग कंट्रोलर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जहाँ हमने देखा कि व्यू कंट्रोलर वगैरह कैसे बनाते हैं और उसे कैसे कॉल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम फॉर्म हैंडलिंग देखेंगे और फॉर्म का डेटा को कैसे फंक्शन तक और कंट्रोलर तक लेके जाएंगे ये देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।